संभल के बनियाठेड़ थाना क्षेत्र में पंचर होने के बाद प्रवासी मजदूरों की मैक्स पिकअप पलटी, आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी प्रवासी मजदूरों का वापस लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। आज सुबह जनपद संभल में पंजाब के पटियाला से लौट रही बदायूं के प्रवासी मजदूरों की मैक्स पिकअप गाड़ी बनियाठेड़ थाना क्षेत्र के ग्राम जनेटा के पास दून पब्लिक स्कूल के सामने गाड़ी का पिछला टायर पंचर होने के बाद कपलिंग टूटने की वजह से पलट गई, जिसमें उसमें सवार करीब आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए, जिन्हें डायल 108 की मदद से इलाज के लिए सीएससी चंदौसी में भर्ती कराया गया। घायल इंद्र प्रकाश ने बताया कि अचानक से गाड़ी के पिछले टायर में पंचर हो गया और कपलिंग भी टूट गई, जिससे गाड़ी पलट गई, जिस कारण करीब 7 से 8 लोगों के चोटें आई हैं। वहीं इस विषय में सीएससी प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि करीब 7 से 8 लोगों को इलाज के लिए लाया गया है, जिसमें कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है। सिर्फ एक लड़का है जिसके सीने में फ्रैक्चर की आशंका को देखते हुए उसे जिला अस्पताल संभल में एक्सरे के लिए रेफर किया गया है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे थे आप? हम पटियाला से आ रहे। तो क्या हो गया? पहले हवा लग रही सही है कि पट्टी टूट गई थी, पंट गई। वो चोट लगी है करीब? लगी होगी 7-8। तो किसी के कोई गंभीर चोट है? हाँ, एक की गंभीर है, हमारी मैडम करें आप ज़्यादा। अच्छा, जा कहाँ रहे थे आप लोग? हम जा रहे थे बदायूं जिला। बदायूं जिले में कहाँ पर? अलीपुरा। अलीपुरा, हाँ। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुड़गांव के पास में, आगे जिपलिया के पास में। कहाँ आए हुए हो आप लोग? हाँ, इस समय कहाँ पर हो? चंदौसी। चंदौसी कहाँ? पंखे के पीछे। नहीं, इस समय अस्पताल में हो? हाँ, अबे अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में आए? हाँ, सरकारी में। इलाज मिल रहा है आपको? हाँ हाँ, इलाज हो रहा है। कुछ घायल लोग आए हैं, ये कहाँ का मामला है, कितने लोग आए हैं? ये बता रहे हैं कहीं बाहर से प्रवासी लोग पंजाब से आ रहे थे, बदायूं के निवासी बताए जा रहे हैं। हमने पूछा तो पता चला कि जैसे कोई टायर फट गया ना, उसमें से कुछ बच्चे और 3 लोग बड़े हैं, लेकिन किसी के एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी पे कोई इंजरी नहीं है। सभी लोग दर्द बता रहे हैं, तो हमने इन्हें फर्स्ट एड दे दिया गया है। एक बच्चे का सीने पे लग रहा है कि फ्रैक्चर हो सकता है, तो उसको एक्सरे को एडवाइज कर दिया गया है, लेकिन वो तो एक्सरे के बाद ही कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन वैसे सभी लोग की जो जनरल कंडीशन है वो नॉर्मल है, कोई ऐसा क्रिटिकल नहीं है। किसी को रेफर तो नहीं किया गया है यहाँ? नहीं, उसको एक बच्चा है, उसको जिला अस्पताल संभल एक्सरे को एडवाइस किया गया है, बाकी सभी लोग कंडीशन नॉर्मल है। जब गाड़ी पलटी है तो किसी ना किसी पार्ट पे प्रेशर बना है, तो दर्द की शिकायत बता रहे हैं सभी लोग।